विजन तैयार करने की प्रक्रिया में आज आपको बोलने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हूं और हम बैंक की ओर से हमारे जो बोरोवर्स हैं उनको बिजनेस कोचिंग देते हैं, उनके लिए वर्कशॉप सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। उसके अंतर्गत ही मैं आपको ये विजन मिशन के बारे में, वो कैसा तैयार कर रहा हूं उसके बारे में बता रहा हूं। तो काफ़ी संस्थाओं का, बहुत कंपनियों का विजन मिशन तैयार नहीं रहता है। वो लोग ऐसे ही आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। या कुछ कंपनियों का विजन मिशन बस ऑफिस में लगा रहता है, वो कभी कोई पढ़ता भी नहीं है। एक्चुअली आपको उसके ऊपर काम करना है और वो मद्देनजर रखते हुए कंपनी चलाने की है। तो तैयार कैसे करना उसको, तो उसके पहले आप ये देखो कि आप पहले आपके लिए देखो कि आपके लिए क्या महत्व का है दुनिया में, और जब आप आपके लिए तैयार करेंगे फिर वही कंपनी के लिए लागू हो जाएगा। तो मैं आपको 5 सवाल देता हूं, उसके जवाब आपको लिखने के हैं। जो जवाब पहले मन में आएगा वो आपको लिखने का है, ज्यादा सोचने का नहीं है। तो पहला जवाब है कि why do you get out of your bed every day in the morning? आप सुबह रोज बेड पर से क्यों उठते हो? तो कोई लोग बोलते हैं कि हमको नींद नहीं आती करके उठते, कोई बोलते हैं हम फ्रेश होकर करके उठते, कोई लोग बोलते हैं हमको लोग उठाते करके उठते हैं, कोई लोग बोलते हैं अभी हमको काम पे जाना है करके उठते हैं, औरतें बोलती हैं हमको बच्चे उठाते करके उठते हैं, लोग कोई बोलो बोलते शर्म आती है कितना ज़्यादा सोना है इसलिए उठ जाते हैं। एक्चुअली क्या पर्पस है? ऐसा उठते हैं आप कि बस चलो आज मजा करेंगे, आज कुछ तो भी लोगों के लिए करेंगे, आज ये दुनिया में बहुत मजा करेंगे, बहुत मजा आ जाएंगी, और ये दुनिया में मैं कुछ तो भी लोगों के लिए करने वाला हूँ, ऐसा उठते हैं। तो क्यों उठते हैं रोज सवेरे? उठने का पर्पस क्या है, जीने का पर्पस क्या है, वो वहां से क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, व्यवसाय में या अपने पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में आपके लिए कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो वो लिखिए आप, कौन से व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं समझ देता हूं आपको, आपको आपके जीवन के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट योर लाइफ, वो लिखिए। क्या प्यारा है आपको, किसके ऊपर आप ज्यादा प्यार करते हो, क्या इच्छा है आपकी सबसे ज्यादा, जो बिल्कुल भाता है आपको, वो कौन सा है ऐसा, वो लिखो। चौथा है, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व की कौन सी बात आपके जीवन की है, आपके लिए सबसे महत्व की कौन सी बात आपके जीवन के लिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, कौन सी बात आपके लिए महत्व की है। चौथा सवाल है, पांचवा है कि दुनिया से विदा होने के पहले आप क्या हासिल करना चाहते हो। तो ये 5 सवाल है, इसके जवाब आप दो। ये जवाब आपके लिए वैयक्तिक जितने महत्व के, अभी वही जवाब आप देखो अभी लेकर, अभी कंपनी के लिए कैसे अप्लीकेबल है और कंपनी के लिए आप क्या काम करोगे। देखो कंपनी जब बनती है, जब संस्था बनती है, तो संस्था कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, संस्था लोगों से बनी रही, संस्था लोगों से बनती है। तो फिर संस्था जब बोलती है कि हमको संस्था को ये करना है, मतलब वो जो समूह है लोगों का, जो समूह इकट्ठा होकर संस्था बनती है, तो वो समूह के लिए संस्था काम करेगी, या वो लोग समूह में जो है वो काम करेंगे तो संस्था तैयार हो जाती है। तो फिर संस्था का उद्देश्य जो है, विजन जो है, वो सब लोगों का रहेगा, जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं उनका, और एक विजन, एक दूरदृष्टि लेके वो काम करेंगे कि वो क्यों काम करते हैं। और जब तक आपको वाय इसका जवाब नहीं मिलेगा, कंपनी कभी तरक्की नहीं करेगी। तो ये सवाल है, ये आप साथ में अच्छी तरह से लिखो, आपको टाइम चाहिए तो टाइम लो, सोचो, समझो, जानो, पहचानो, जो करना मर्जी करो, लोगों को पूछो, अपने जो स्टाफ है उनको पूछो, अपने जो कलीग है उनको पूछो, और अपना विजन तैयार करो। थैंक यू वेरी मच।